सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। द्रौपदी ने अपने गिरिधर, अपने बांके बिहारी को पुकारा और अपनी भक्ता की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता चला गया, चीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आज तक जड़ वस्तु में अपने आप कभी वृद्धि नहीं होती है, लेकिन भगवान अपने भक्त के रक्षण के लिए सृष्टि का बड़े से बड़े नियम को भी तोड़ देते हैं और प्रभु ने ऐसा किया। ये जो गाथाएं भगवान के द्वारा जो भक्तों का रक्षण हुआ हम सुनते हैं, इसे कोरी कल्पना मत मानिएगा। ये हमारे जीवन में दैनंदिनी क्रिया के अंतर्गत भी घटित होते रहते हैं। आज द्रौपदी का रक्षण हो गया, लेकिन मेरा इस समाज से एक प्रश्न है। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को बचा लिया, लेकिन आज समाज में क्या हर नारी इसी प्रकार रक्षित हो पा रही है? क्या आज भी नारी की लाज खतरे में नहीं है? क्या आज भी बलात्कार की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं, गैंग रेप की घटनाएं आपको नहीं सुनने को मिलती? मिलती है, होता है। फिर नारी रक्षित कहां है? भरी सभा में द्रौपदी ने जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर आज तक मानव समाज दे ही नहीं पाया। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर सामने नहीं आता है तब तक ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। समाज में जब भी कोई गैंग रेप की घटना घटित होती है, लोग पीस मार्च निकालते हैं, शांति मार्च निकालते हैं। निर्भया कांड ने तो सारे जगत को मानो हिलाकर रख दिया था और उसके बाद किचनी समाज सेवी तथा कथित संगठन सामने आए, न्याय की सभी ने गुहार की, पापियों को दंड देने की मांग की और बहुत कुछ कार्य प्रणाली आगे बढ़ी भी, लेकिन उसके बाद क्या निर्भया जैसा कांड नहीं हुआ? हुआ, हुआ। समाचार पत्र खोलकर देखिए, समाज में आज ये जो कुत्सित प्रवृत्ति सुनने को मिलती है इसके पीछे कारण क्या है, इसका हेतु तो ढूंढा जाए। हम जो पीस मार्च निकालते हैं दुर्घटना घटित होने के बाद निकालते हैं, हम आवाज उठाते हैं दुर्घटनाओं के घटित होने के बाद उठाते हैं। हमें तो अपनी संस्कृति में ऐसे बीजों को समाज में फिर से रोपित करना पड़ेगा जिनको हम भूलते चले जा रहे हैं। ये जो विश्ववारा हमारी भारतीय संस्कृति को जब जब हमने भुलाया और जब जब पाश्चात्य संस्कृति का रंग समाज पे चढ़ा, तब तब ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। आज आप समाचार पत्रों को छोड़िए, कोई भी चैनल देख लो, आध्यात्मिक को छोड़कर जब भी आप फिल्मी जगत में देखते हैं नारी का दूसरा रूप सामने आता है। अगर हम ये सोचे कि नारी की दयनीय स्थिति का कारण केवल पुरुष प्रधान समाज है तो ये भी बात आधी सच है आधी सच नहीं है, क्योंकि नारी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति की खुद ना खुद जिम्मेदार होती चली जा रही है। हमारी कोई भारतीय संस्कृति थी जिसमें नारी को मां का दर्जा दिया, जिसने नारी को गृह लक्ष्मी कहा, जिसने जहां पर विद्या की देवी को सरस्वती कहा। आप देखिए देश के बड़े बड़े विभाग, हम एजुकेशन की बात करें तो विद्या की देवी कौन है? माँ सरस्वती, नारी। धन की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी, नारी। शक्ति की परिचायक माँ दुर्गा रक्षा करती है।
हम देखें विद्या के क्षेत्र में, देखें धन के क्षेत्र में, देखें शक्ति के क्षेत्र में, देखें ये सब नारियों के पास बड़े बड़े विभाग थे। प्राचीन काल की नारियां जो थी आचार्य थी, समाज का मार्गदर्शन करती थी, समाज को दिशा दिया करती थी। वो अपनी संस्कृति में पलकर, अपनी संस्कृति में पालित पोषित होकर समाज के सामने एक आदर्श रूप में सामने आती थी। लेकिन आज, आज किसी गाड़ी की एड हो तो मॉडल के रूप में उन्हें कौन चाहिए? नारी चाहिए। सर्फ का विज्ञापन देना हो उन्हें नारी की अश्लीलता चाहिए। पेन पेंसिल का विज्ञापन हो, साबुन का विज्ञापन हो, बाइक का विज्ञापन हो तो नारी खड़ी कर दी जाती। शायद हम अपनी दिव्यता को भूलते चले जा रहे हैं। इस दिव्यता को फिर से वापस अपनाने का समय आ गया है। पाकर दिव्य रूप तुमको नारी बन दिखाना है, शुष्क हुई इस धरा को अब तो फिर से जाम पलाना है। आज जरूरत आन पड़ी है, कोई मदालसा आ जाए, पूरा संस्कृति को जीवन देकर वैदिक नभ में छाप जाए, फिर ममता की बूंदे रिमझिम यू बरसे आकाश से, जैसे कोई बच्चा मिले अपनी माँ के सीने के आकाश से, अपनी माँ के सीने के आकाश से हमें संस्कृति को फिर से वापस लाना है। जब तक अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे समाज में ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। विकास के नाम पर अपनी संस्कृति की तिलांजलि देना अपने आप को धोखा देना है। मैं ये नहीं कहती कि विकास मत करो, करो, समाज में आगे बढ़ो। अपने जीवन में सब कुछ पाने का सामर्थ्य तुम रखती हो और सब कुछ तुम कर सकती हो, लेकिन अपनी संस्कृति की हत्या कर किया हुआ विकास विनाश कहलाता है, क्योंकि हम खुद विनाश को न्योता दे रहे हैं। इसलिए हम ईश्वर के मार्ग पर बढ़े। द्रौपदी की रक्षा ईश्वर ने की, जब तक जीवन में भगवान का स्थान नहीं होगा बताइए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जब तक जीवन में भगवान की कृपा नहीं पाएंगे हम उस आनंद को चखे नहीं पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में ईश्वर को स्थान दो। आज कॉर्पोरेट जगत की बात करें जिसमें कंपटीशन है, मैड रेस है, टू ओवरकम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे को गिराने की होड़ है, तनाव और हताशा के इस वातावरण में केवल भगवान का नाम ही है जो लोगों को आनंद दे सकता है। और ये मत सोचिएगा कि इस आनंद की धारा में डूबने का आज के बच्चों के पास समय नहीं है। हमारे युवाओं का मार्गदर्शन हमें खुद करना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं सूत जी शौनक इत्यादि ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित से अपराध हुआ तो मार्गदर्शन करने के लिए सुखदेव आए, जिससे अपराध हुआ वो भी युवा है, और जो मार्गदर्शन देने आए हैं वो कोई प्रौढ़ नहीं, वो भी युवा है। जिन्होंने धर्म के मर्म को समझ लिया है, जिन्होंने धर्म के मर्म को अपने जीवन में उतारा है, अगर वो यौवनावस्था में है तो वो आज के युवाओं का मार्गदर्शक बन सकता है। सुखदेव मुनि जी महाराज, उन्होंने राजा परीक्षित का मार्गदर्शन किया, उन्हें ईश्वर के पथ की ओर लेकर गए। आज हम ईश्वर का मार्ग छोड़कर तमाम विकास पाना चाहते हैं तो बताइए ईश्वर हमें कैसे मिलेगा और हमारे जीवन में आनंद रस का संचार कैसे होगा। द्रौपदी का जीवन कृष्ण के रंग से रंग चुका था और इसलिए उसका रंग जब प्रबल हुआ तो सहसा उन्हें अपने द्वारिकाधीश गिरिधारी की याद आई और उसका रक्षण हो गया। मैं चाहती हूं कि नारी को शारीरिक स्तर पर सशक्त होना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसे सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति को लेकर चलेंगे तो हमारा साहस दुगुना होगा, कम नहीं होगा। जैसे द्रौपदी कृष्ण के रंग में रंगी, हमारे जीवन पर भी अगर कृष्ण का रंग चढ़ जाए और उस रंग के साथ हम विकास करेंगे तो जीवन सफलता के कदम चूमेगा और जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उस गिरिधारी से कि आप हमें अपने रंग में रंग लो, अपने रंग में रंग लो। आइए कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो
अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, तेरी ही आराधना को नैन भए बावरे, तेरी ही आराधना को नैन भए बावरे, चाहे बनो दासी बनो रहो तेरे संग में, da 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 da
बजना कभी हाथ का बजना, ये आनंद रस है भगवान की महिमा। द्रौपदी ने कृष्ण के रंग में स्वयं को रंगा, सचमुच में त्याग की उसने पायलिया पहनी, श्रद्धा की चुनरी ओढ़ी और त्याग के मार्ग पर धर्म स्थापना का हेतु बन गए। हम समझ नहीं पाए, इसलिए महर्षि वेदों व्यास जी स्वयं भागवत महापुराण में लिखते हैं और ये बात सूत जी शौनक इत्यादि ऋषियों को बता रहे हैं कि जब ये महाभारत जैसा युद्ध हुआ, उसके बाद परीक्षित का रक्षण हुआ और इधर जब भगवान ने ये देखा कि अब पांडव इस युद्ध में विजय श्री का वर्ण कर चुके हैं, अब मुझे द्वारिका वापस जाना होगा, यह सोचकर उन्होंने दारू को रथ तैयार करने के लिए कहा। और जैसे रथ पर बैठने लगे, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, पांडव सब वहां खड़े हाथ जोड़कर,
सबके नेत्र नम है। कृष्ण जाने की तैयारी में है। एक पांव अभी रथ पर रखा था। कुंती ने कहा, मत जाओ नाथ, मत जाओ। अपने प्रभु से वियोग किसलिए सहन होता है? आप चले जाएंगे तो हमारी जीवन रूपी नैया संसार सागर से पार नहीं उतर पाएगी। पांडवों के जीवन रूपी नौका के आप ही मल्लाह है। पांडवों के जीवन रूपी नदी का जल आप है। जल अगर नाता तोड़ ले, जीवन रूपी नदी सूख जाती है। आपकी कृपा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आज जो कुछ पाया है, जो कुछ मिला है, आपकी कृपा है, हम जानते हैं। लेकिन अगर आप यहां हमें सुख देने के बाद हमें छोड़कर चले ही जाएंगे तो प्रभु ये सुख किस काम का? ऐसे सुख के दिनों का हम क्या करें कि हमारे प्रभु हमसे वियुक्त होकर जा रहे हैं, विलग हो रहे हैं। नाथ, इससे अच्छे तो दुख भरे दिन है जिसमें आपका साथ मिलता है, आपका सानिध्य मिलता है। आप मत जाइए। अर्जुन के कपोल अश्रुओं से भीगे पड़े हैं, कुछ कह नहीं पा रहा। एक भक्त की पीड़ा उसका सिर्फ भगवान जानता है, दुनिया नहीं। भक्त का अंतर्मन अपने प्रभु को क्या कह रहा है ये कोई नहीं समझ पाता, लेकिन अर्जुन की अश्रुधारा कृष्ण को यही कह रही है। आप ही थे जो युद्ध में लड़ रहे थे, आपकी वजह से विजयश्री मिली, आपकी वजह से सब कुछ मिला, और आज वो अश्रु मानो कृष्ण का मार्ग रोकना चाहते हैं। आंखों की प्यालियों से बाहर आकर ये कह रहे कि प्रभु, मैं अपने नेत्रों के जल से तुम्हारे चरण पकारता हूं, छोड़कर मत जाइए हमें, मत जाइए। और द्रौपदी जिसने बहुत कुछ खोया, मानो भरे नेत्रों से वो भी कह रही है, रुक जाओ। शब्द कम पड़ गए और आज वाणी ने मानो अश्रुओं का सहारा ले लिया। क्या होता है, कई बार अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द जब कम पड़ते हैं, फिर आंखें सहायक बनकर सामने आती हैं। कि आंखों में जो है वो तो सत्य है, व्यक्ति शब्दों का नकाब तो ओढ़ ले, लेकिन आंखों की सच्चाई का क्या करोगे? आज अनेकों धाराएं मानो कृष्ण का मार्ग रोकना चाहती हैं। भगवान भी देख रहे हैं, क्या करें? उन्होंने कहा, बुआ कुछ चाहती हो तो मांग लो, संकोच कैसा? कुंती ने कहा, नाथ देना चाहते हो तो ऐसे करो, मेरी झोली दुखों से भर दो, विपत्तियों से भर दो। भगवान ने कहा, बुआ श्री, लोग सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं देखा जो दुखों की कामना करता हो, क्या हुआ आपको? बुआ कहती, ठीक है तो मांग रही हो प्रभु, दुख थे तो आपका सानिध्य मिला, मुझ निर्धन की खाली झोली हर पल है अकुलाए, सकल लोक के दुखड़े मुझ में आन काहे न समाए। मैं जारू सब गुण सुख ऐसे जो तुझसे दूर ले जाए, मुझ बिरहन की प्रीति यही बस थोरे चरण समाए। भावी अतिशय करे जो कोए मैं काहे घबराऊं, पल पल तेरी याद रहे बस पात्र शयन सजाऊं। श्रीमुख से वरदान डाल दो माधव मेरी झोली में, दुखों से भरपूर रहूं लेकिन तेरी टोली में, दुखों से भरपूर रहूं लेकिन तेरी टोली में।
मेरे जीवन में भले दुख आ जाए लेकिन अपनी कृपा का हाथ मत उठाना। तुम्हारा सानिध्य चाहिए। भक्त भगवान की जुदाई नहीं सहन कर सकता। एक बार श्री राम ने भक्त हनुमान से पूछा, कहो हनुमंत कैसे हो? हनुमान ने कहा, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। प्रभु वैसे तो सब कुशल मंगल है लेकिन जब तुम्हारा भजन सुमिरन करने का समय नहीं मिलता तो लगता है विपत्तियों से गिर गया हूं। जिसे हम सांसारिक लोग दुख कहते हैं वो भक्त के लिए दुख नहीं होता। जिसे हम सांसारिक लोग सुख कहते हैं वो भक्त के लिए सुख नहीं होता। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण समृति। विपत्ति वास्तव में विपत्ति नहीं है और संपत्ति वास्तव में संपत्ति नहीं है। अपने भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और अपने जीवन में भगवान का याद बने रहना, भगवान की कृपा बने रहना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो कृपा को खो देता है वो अपने जीवन के आनंद को खो देता है। आज कुंती ने दुख मांगे। हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर आया, कोई ना कोई दुख हमने झेला है अपने जीवन में। वो दुख क्या हमें कष्ट पहुंचाने के लिए आए थे? नहीं, हमारा निर्माण करने के लिए, हमारा विकास करने के लिए। अगर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध अर्जुन के जीवन में ना आता और अर्जुन मोह की पीड़ा से पीड़ित ना होता, दुख की धारा में स्नान ना करता, तो गीता जैसा महान ग्रंथ मानव समाज को कैसे मिलता? ये अर्जुन की पीड़ा थी जिसने पूरी मानव जाति को भगवत गीता का दान दे दिया। ये श्री सीता मैया के जीवन का दुख था जिसने उसे वन में जाने को विवश किया और उसकी त्याग तपस्या को देखकर उसे जगत जननी जानकी की उपाधि मिल गई। चंद्रगुप्त बाल्यकाल में बहुत पीड़ा में था, उसकी पीड़ा उसका निर्माण कर गई और वह एक ऐसा सम्राट सामने बनकर आया जो अखंड भारत के निर्माण का आधार बना। दुख हमारा निर्माण करने आते हैं, मैं जानती हूँ। दुख के पल कटे काटे नहीं कटते। व्यक्ति कराहता है, दुखी होता है, हताश होता है, परेशान होता है, मैं जानती हूँ। लेकिन भगवान के नाम से सहन करने की शक्ति बढ़ती है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जो किया है वो तो झेलना ही पड़ेगा, कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम अपने ही किए कर्मों को सहन कर पाए कैसे?